नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। आवाज़ सुनो पहाड़ों की एक मंच जो है उत्तराखंड के तमाम उन कलाकारों को दिया जा रहा है जिन कलाकारों को कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जो कभी अपने गांव घर से बाहर जो है अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाए। यहां एक प्रस्तुति जो है यहां पर बच्चों द्वारा, युवा कलाकारों द्वारा दी गई थी और उस प्रस्तुति के पीछे जो है जो वाद्य यंत्र थे जिन्होंने बजाए हैं वो पूरी टीम जो है मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो इस टीम का नाम जानना चाहूँगी। मेरा अपने नाम से है, सुरेंद्र सिंह नाम से, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली के नाम से टीम है। कितने टाइम से जो है आपकी टीम इसी तरीके से उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को आप बजाते हुए आ रहे हैं? अपना कोई जब आपने शुरुआत किया था, ये कितने साल पहले शुरुआत की? मेरी शुरुआत तो पहले मैं गाने में था, लगभग 91 की बात बता रहा हूँ मैं। तो पुरानी टी हुआ करता था उस समय, तो वहाँ पे साक्षरता अभियान एक चलता था, तो उसमें हमने गाने में मैंने वो तो ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब निरक्षर नहीं रहेंगे लोग मेरे गांव के, इस तरफ के ऐसे गाने सामूहिक गीत गाते थे और साक्षरता अभियान पे चल रहा था। तो तब से मुझे 91 से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक फील्ड में मैं लगभग 95-96 में थोड़ा हारमोनियम बजाना थोड़ा सा सीखा मैं। फिर धीरे धीरे हम पहले हारमोनियम पे मंच होते थे ऐसे, अब ये सिंथेसाइजर आ गया नया, लेकिन पहले हारमोनियम पे ही स्टेज, बड़े बड़े स्टेज हारमोनियम से होते थे और जो ढुड़का बजता था, साइड रिदम बजता था, अब ऑक्टोपैड हो गया, अब वो बांसुरी बजती थी। तो अब काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग 35 साल लगभग हो गया है। जो आपकी टीम है, ये टीम परमानेंट है या कोई आता है जाता है? परमानेंट है और इनके बिना तो मैं भी कुछ नहीं। ये तो ये मेरे से लगभग सन 2000 से जुड़ा हुआ है, ये लगभग 10-11 से ही जुड़ा, ये लड़का ने अभी ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। तो इनके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ, जब मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, इनके बिना, इनके रिदम से, इनके ऑक्टोपैड से, किसी कोई बांसुरी से साथ देता है, तो मुझे इनसे बहुत बल मिलता है और मुझे बड़ी खुशी ये होती है कि मैं, हम इस तरह के जो कॉम्पिटिशन प्रोग्राम बहुत करते हैं, आवाज़ सुनो पहाड़ों की, इसमें रोथान जी ने हमें बोला, हमारे गुरुजी वीरेंद्र नेगी जी, उन्होंने इस बात को रोथान जी के पास भी रखा कि उत्तराखंड में जो भी कंपटीशन होगा वहाँ सुरेंद्र के का ही ग्रुप ही करेगा। तो बात होगी इसीलिए, तो मुझे है वो बात बात कुछ नहीं, आप कुछ बात कुछ नहीं, बस गुरुजी का आशीर्वाद है, हमारे वीरेंद्र भाई जी का आशीर्वाद है और हम रोथान जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस, हम लगभग हमें काफ़ी एपिसोड हम कर चुके हैं यहाँ पे और अच्छा लगता है और बच्चों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा आजकल बच्चे इतना बहुत इतना बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा उसमें ये होता है कि क्या पता हम वो स्किल पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, बहुत बहुत बच्चे टैलेंटेड आ रहे हैं तो अच्छा लगता है यार। मैं इस तरह के कॉम्पिटिशन मैंने बहुत कर चुका हूँ, गढ़वा सभा भवन के भी होते हैं तो उसमें भी हमने काफ़ी सालों से मैं वो भी कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें बहुत आनंद आता है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अलग अलग बच्चों से अलग अलग रागों पे अगल कीबोर्ड बजाना, अलग अलग उसमें बहुत आनंद आता है मुझे। और हमारे साथ जो ये टीम मेरी इतनी परफेक्ट टीम है, मुझे बस यूँ देखने की ज़रूरत पड़ती है, कभी मैं डांट देता हूँ, हमारे छोटे भाई हैं, मैं डांट देता हूँ, मैं सबको डांट देता हूँ कभी कभी, मैं थोड़ा कभी हाइपर हो जाता हूँ इन पर, लेकिन ये मेरी बात का बुरा नहीं मानते और कभी किसी भी हम मेरे म्यूजिशियन ने मेरे से कभी ऐसे किसी बदतमीजी नहीं, कभी किसी ने नहीं किया, मेरी बात मानते हैं, मैं डांटता भी हूँ फटकारता भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ, मैं इनके साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। बिल्कुल, इनका मान सम्मान है आपके लिए। आप जो हैं, आपने भी यहाँ पर उत्तराखंड के, मैं कहूँगी वो कलाकार देखे जो कभी स्टेज तक नहीं पहुँचे और कितने सालों से गा रहे हैं, कोई बताते हैं कि हम 6-7 सालों से गा रहे हैं, कोई कोई कह रहे हैं कि हम 5-6 सालों से गा रहे हैं, तो इतने सालों से जो है ये कलाकार हमें नज़र नहीं आए थे, आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें नज़र आते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म की किस तरीके से
इस प्लेटफॉर्म की आप किस तरीके से तारीफ करना चाहेंगे, क्या कुछ जो है आप इस प्लेटफॉर्म के लिए कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद संवाद टीवी का कर रहा हूँ और आवाज़ सुनो पहाड़ों की ये जो हमारा चैनल है नेशनल पे आ रहे हैं इसके, तो हमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे आप हमको दिखते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, बहुत अच्छा लगता है, हम तो हमारे घर वाले रिश्तेदार भी, तो ये हमारे लिए नहीं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिन बच्चों को दूर दराज गाँव से आते, जिन्होंने कभी स्टेज भी नहीं देखा था, कई लोग गाँव में रामलीला तक सीमित रह जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है और रथराणा जी ने ये पहल की है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है एक टैलेंट हमने भी देखा था, वाद्य यंत्रों को जो है हाथों से बजाना, मगर आप जो है मुंह से जो है वो वाद्य यंत्र बजा रहे थे। आजकल बीट बॉक्सिंग जो है बहुत ज़्यादा चलती है और उत्तराखंड में जो है बहुत ही कम लोग शायद आपके इस जो है इस टैलेंट के बारे में जानते होंगे, किंतु मैंने जो आज दूसरी बार सुना आपका ये टैलेंट, थोड़ा सा अगर आप मेरे दर्शकों को भी जो है अगर आप सुनाए तो। क्या अब वो आरती करूँगा मैं? आरती नहीं, जो आपने जौनसार का आपने जो है एक ये बजाया था तो बिल्कुल वो अगर थोड़ा सुना है तो। रणसिंगा उत्तराखंड में कई जगह है लेकिन जौनसार में ज़्यादातर हमने सुना है, तो वो ऐसा है। बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड के जो है तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँचे थे, वो कलाकार जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए, किंतु आज बहुत खुश हैं, इतना बड़ा मंच जो है उन्हें मिला है, किंतु एक ये भी सवाल है कि अगर इसके बाद जो है वो बच्चे जाएं तो फिर इस प्रकार के मंच उन्हें शायद दोबारा ना मिले, तो इस पर आप क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि उत्तराखंड के ये एक बहुत दुविधा भी है कि संस्कृति को जो है हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा कहीं दूर छोड़ रही है, सोशल मीडिया के ज़माने में केवल हैशटैग पहाड़ी तक ही जो है अपने आप को सीमित रखती है, आप कैसे देखते हैं? ये ऐसे हमारा जो ट्रेडिशनल है वो आज हमारे जो जूरी उन्होंने भी बोला कि ठीक है आप कमर्शियल सॉन्ग गाइए, कमर्शियल फोक सॉन्ग गाइए, किसी की सिंगर के गाइए, पर मैं बच्चों से और यही मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जो जजों ने बोला है कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल को भी आप याद कीजिए, उसको भी मंचों पर गाइए, वो भी बहुत रिच कल्चर है हमारा, बहुत रिच गायकी है। आपको शायद पता ना हो कि संगीत जो धरती पर उतरा वो उत्तराखंडी है, तो यहाँ बहुत यहाँ का जो फोक है उसमें हर प्रकार की रागदारी, हर प्रकार की तालों में यहाँ का लोक संगीत है, विभिन्न तालों में है, दादर में है, दीपचंदी में है, मतलब वेरिएशन बहुत है यहाँ के ट्रेडिशनल फोक में हमारे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने जो पौराणिक हैं हमारे ट्रेडिशनल जो ओल्ड सॉन्ग है जो बिल्कुल गायब हो चुके हैं उनकी भी तैयारी करें, वो भी सीखें और गुरुओं से सीखें। जो आप गांव जाती हैं तो गांव में पुरानी माताएं और जो बुज़ुर्ग लोग गाते हैं तो एक बार उनसे बैठें, उनसे सीखें, वो सॉन्ग पर अगर आगे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जो युवा वाद्य यंत्रों में जो है अपनी रुचि रखते हैं वो आपसे कैसे सीखें, उनको तो कुछ बताएं, अगर उन्हें कहीं सीखना हो बजाना हो तो वो कैसे क्या करें? बिल्कुल, पहले तो आपको एक मन रखना पड़ेगा। आप बोलें कि मैं खुद अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली सिंगिंग करता था, मैं भी कन्फर्म नहीं कर पाया मुझे करना है, तो फाइनली मैंने फोकस रिदम पे किया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप ये कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, तो आप पहले अपने मन को बिल्कुल पक्का कर लीजिए यही करना है और इस पर एकदम फोकस्ड रहना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। फिर आप जब आप वो मन बना लें तो फिर अच्छे गुरु के पास विधिवत गुरु परंपरा से सीखें और उसमें अच्छी तालीम लें, अच्छी उसकी बारीकियाँ सीखें और तब आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। जिस तरीके से कृष्ण बिन राधा कुछ नहीं, उसी तरीके से जो गायकी है उसमें जो है वाद्य यंत्रों के बिना मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।